20 रुपए। आप वही हो ना, वो पहाड़ी सब्जी वाले? मैंने कौन से मैडम जी? मैंने रावत ब्लॉग्स में देखा था आपको। अच्छा हाँ, मुझे सब्जी वाला लीजिए, ताजी ताजी पहाड़ी पहाड़ की सब्जी लीजिए। आज आ जाइए, ताजी ताजी सब्जी। मैडम जी जल्दी कीजिए, भाई साहब जल्दी कीजिए, सब्जी। नमस्ते भैया, सब्जी ले लीजिए। भैया सब्जी कैसे दी, क्या क्या है आपके पास? मैडम जी हमारे पास सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं, अभी आपको दिख रही होगी सारी की सारी सब्जियां क्या क्या है हमारे पास। ये ताजी ताजी आज बाहर से आई है सारी की सारी सब्जियां। सब्जी वाला आपके पास है क्या क्या? ये पहाड़ की तो बहुत सारी सब्जियां दिख रही है। पहाड़ की मैडम जी आपको सारी चीजें मिले, करेले मिलेंगे, मीठे करेले। आपको खीरा लेनी खीरा ले लीजिए, ये आपको भुट्टा लेना भुट्टा ले लीजिए, इसको हमारे यहाँ पे मकाई बोलते हैं गढ़वाल में। और ये अपनी हरी सब्जी भी है, और ये अपने यही मैडम जी ने अभी ऑर्डर किया था तो मैडम जी के लिए पैक कर लिया हमने ये सब्जी इनकी। अरे भैया ये तो फटी हुई थैली रखी मैडम जी, क्या करें, मॉल पे आओ, किसी ने फाड़ दिया होगा अभी। और ये प्लास्टिक का थैला है, ये तो बैन हो रखा है। मैडम जी क्या कर सकते हैं, सरकार ऐसी चल रही है अभी ना, घाटे में चल रही है, तो इसलिए जो भी मिलता सड़ा अगर हम आते हैं कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा भैया ये खीरा कैसे दिया आपने? मैडम जी ये खीरा आपको 30 रुपए की पड़ेगी। किसी ने शेयर की थी पहाड़ी रेसिपी में, तो मैंने एक बार ट्राई कर लिया, मैं देखती हूँ। मैडम जी मेरा था वो शायद ब्लॉग था उस टाइम, तो आपने बोला ये 150 की सब्जी है। मैडम जी उस टाइम रेट पहाड़ों में हाई रहते हैं, अब मैं देहरादून में आ रखा हूँ, अभी आप देख सकते हैं मैंने मॉल में अभी सब्जी की दुकान लगा रखी है अपनी, तो इसलिए अभी कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए मैंने सब्जी के रेट अपने गिरा दिए। अच्छा गिरा दिए हैं? हाँ जी हाँ जी। आपको तो फिर लॉस हो गया होगा काफी। मैडम जी लॉस तो काफी हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं, बीवी बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ इसका मॉल का वो भी किस्त भी भरनी है, सारी चीजें करनी है, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, इनको क्या बोलते हैं? मैम इसे बोलते हैं कोड़ा करेला। कोड़ा मीठा 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 करेला, सॉरी मिस्टेक हो गई, सब्जी वाला। तो मैडम जी हमारा टाइम दे दे, सब्जी वाला। अरे भैया हमें नहीं लेनी आपसे सब्जी, आप तो हमें ठगा रहे हो। पहले आपने इसको 400 रुपए किलो बताया था, मुझे तो वही चाहिए। मैडम जी पर पीस बोल रहे हो ना, पर पीस बताया था मैडम जी। मूली ले लीजिए, मूली भी ताजी ताजी देख सकते हैं आप, लीजिए ये मूली। इसके पत्ते तो बासी हो रखे हैं, यही तो पहाड़ की खासियत है मैडम जी। क्या की बासी होती है पहाड़ की सब्जी? पहाड़ की सब्जी जो होती है एकदम प्योर होती है, ऑर्गेनिक होती है, देख सकते हैं हरी सब्जी। इसे ले लीजिए, लीजिए राई के पत्ते हैं सारे, राई और मूली के छोटे छोटे पत्ते हैं, ये लीजिए, ये प्योर है। नहीं भाई आप तो बहुत महंगा लगा रहे हैं। लीजिए मैडम जी लीजिए, एलोवेरा ले लीजिए, बहुत काम की चीज है, चेहरे पे लगाइए या जूस पीजिए। इससे अच्छा एलोवेरा तो हम मार्केट से जूस मैडम जी हम ले जाएंगे, आपका स्वास्थ्य भी सही होगा, आपका चेहरा भी सही होगा, दोनों चीजें आप लगाइए या पीजिए, दोनों चीजों में आपका काम करेगा। एक चीज में सब्जी वाला मुझे 1 किलो एलोवेरा दे दो, पर इसका रेट तो आपने बताया नहीं। मैडम जी यहाँ मिलेगा आपको 600 रुपए किलो, लेना चलो और ना जाओगे। नहीं नहीं भैया मैं ले लिया, आप बहुत लूट रहे हो यहाँ पे, हटो। एलोवेरा ले लो, कद्दू ले लो, पहाड़ी सब्जी ले लो। तो गाइस फर्स्ट ब्लॉग में देखा पहाड़ी सब्जी वाला पहाड़ में था, बड़े महंगे रेट में बेच रहा था सब्जी, देहरादून आके रेट गिरा दिया सब्जी वाले ने अपने, क्योंकि देहरादून में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और पहाड़ और मार्केट कुछ कुछ पता नहीं रहता, मतलब पहाड़ी चीज़ का क्या है अहमियत है, तो देख सकते हैं हम ये पहाड़ी सब्जी है सारी।